नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से। हेलो हेलो। हाँ जी, अरे हाँ, गुना से बोल रहा था यार मैं। हाँ बोलिए सर। हाँ, ये टीसीएस ग्रुप पे आपका एक ऑडियो सुना था मैंने। जी सर। कहाँ के? सहारनपुर से हो आप? हाँ सहारनपुर से। सहारनपुर का तो मैं भी हूँ यार। अरे गुप्ता जी वाला चक्कर? हाँ 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 बोलिए सर। अरे हमारा भी है यार उसमें 45,000 रुपए का। अच्छा। हाँ तो अब वो तो आप कहाँ गुना रहते हो अभी वर्तमान में? मैं गुना में हूँ। हाँ मैं भी सहारनपुर में ही मकान है मेरा, रेशम केंद्र में था मैं, रेशम विभाग में। जी 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 सर बोलिए। हाँ तो आपको से पूछता हूँ यार, क्या हो रहा है इनका? वो कुछ नहीं रहा सर, सारा का सारा पैसा क्या है कि देशद्रोही गतिविधि में दिया गया है, इसलिए निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसा कैसे दे दिया सालों ने? अरे बहुत फर्जीवाड़ा काम करा साहब, 1983 से नाम बदल बदल कर बहुत लूटा इन्होंने। शुरू में पीजीएफ लाए, फिर पल्स ग्रीन फॉरेस्ट थी, फिर पीजीएफ बनी, फिर पीएसएल बनी, और फिर पीएसएल इंडिया लिमिटेड से बनी, फिर नव केतन सोसाइटी, लोटस, जाने क्या क्या नाम बदल बदल कर बहुत लूटा है, और देश के मतलब गरीब लोगों को बहुत लूटा है सर इन्होंने। हाँ वही तो मैं कह रहा था, हमारे तो वो गुप्ता है, हमारे तो घर बच्चों ने करवा दिया था जी, 6 साल का 440 रुपए महीने का, मेरा 45,000 बैठता है यार। हाँ 46,200 बैठता है वो आपका। हाँ तो वही, हम तो एक जगह ही रहते थे पंडित वाड़ी में यार। जी जी जी। आप तो कहाँ रहते हो? हम यही सहारनपुर के पास करजू गांव है ना सर। करजू है। हाँ करजू नर्सली है, वहाँ यहाँ पे रहता हूँ मैं। तो ये आप सुधाकर गुप्ता जी थे? गुप्ता जी हमारे सीनियर हैं। सीनियर हैं जी। तो फिर गुप्ता जी को तो अपने घरों पर हमें छोड़े यार, हम तो पुलिस में भी रिपोर्ट करने वाला था मैं तो उनकी। नहीं तो अब वही करना पड़ेगा सर, कारण क्या है कि अभी जानकारी हमें यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिल रही है, 10 चैनल है यूट्यूब वाला। हाँ हाँ। उसने इस कंपनी का सही नाम बताया, पाकल चमन लाहौर लिमिटेड। अच्छा अच्छा। और इसका कोई पाकिस्तान का गोपाल सिंह चावला है, वो संचालन करता है इस कंपनी का। हाँ तो फिर ये तो बहुत बड़ा वो है, तो ये लोग भी पता रहा होगा तो ऐसे ही इनको ठगा होगा। हाँ तो अब भाई अपन तो किसी को नहीं जानते, अपन दिनेश गुप्ता को जानते हैं। सही बात है भाई, हमें क्या मालूम तुमने पैसा ले जा के किसको दिया, क्या करा, क्या कंपनी कर रही थी भाई। हाँ। ये रियल इस्टेट के नाम पर आपने पैसा लिया तो जमीन होना चाहिए ना सारी पीएसएल के नाम से। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ये कहाँ से साला नाटक किया इन लोगों ने। अरे जमीने भी फर्जी रजिस्ट्रियां बता बता के लोगों को ठगा है सर इन्होंने, और क्या है। हाँ, अच्छा। हाँ तो बात की एक बात है, जिसको अपन ने पैसा दिया था उसी के सिर आना पड़ेगा वो अपने को। हाँ तो वो बेचे साला अपना मकान का, कुछ भी करे तो पैसा दे लोगों का। वही से ही नहीं था भाई, आगे कार्रवाई कर, तूने जहाँ जमा किया तेरे सीनियर को पकड़। नहीं तो इसकी FIR करता है, ऐसा कैसा इसने ठगा था, देखो सब हो जाएगा खड़ा। हाँ तो वो क्या है कि सारे जो सहारनपुर की टीम के जितने भी बंदे हैं वो सारे इकट्ठे होके इनके घर को घेरना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल बिल्कुल घेरना पड़ेगा, आप तो मेरे को बता देना, मेरे नंबर सेव कर लेना। ठीक है सर, बिल्कुल हम बता देंगे। राधेश्याम नाम है क्या? हाँ मेरा राधेश्याम विश्वकर्मा नाम है मेरा। हाँ राधेश्याम मेरा भी नाम है। जी जी सर, है ना। बिल्कुल। तो मेरा मकान वही है गणेश विहार कॉलोनी में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं तो यहाँ जॉब का नौकरी करता था, तब अभी रिटायर हो गया हूँ, जाता आता रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप रहने वाले कहाँ, इधर के ही हो क्या? मैं अरे मेरा मकान ले लिया था मैंने वहाँ पर यार। रहने वाले कहाँ के? गुना के हो? गुना जिले का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मकान वही है, ले लिया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। करजू इधर है ना, बड़ोदिया रोड पे। बड़ोदिया रोड पे। हाँ बड़ोदिया आगर रोड है ना। सही सही। हाँ आगर रोड है वो, आगर रोड पे जो आगर रोड पे हमारे रेशम केंद्र पे है ना यार। हाँ रेशम केंद्र है ना सर उधर भी।
जयनगर में ही था मैं, जयनगर में, जयनगर गोपालपुरा में था मैं, क्या नाम से, तो मैं 7-8 साल से इधर आ गया गुना। अच्छा अच्छा है? तो वो तो मेरी पके 6-7 साल हो गया उसको, वो पैसा दुगना हो गया साला मेरा तो। दुगना हो गया ना सर, ये अब ये क्या है, अब मैं बताऊँ आपको, शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं। कारण क्या है कि जब 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया था निवेशकों का ब्याज सहित पैसा देने के लिए, एक लोढ़ा कमेटी गठित कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जितनी भी पीएसएल की संपत्तियां बेचकर 6 माह में भुगतान किया जाए। लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि इनकी सारी मिली भगत से काम हुआ जब 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने खुद अपनी संपत्ति 11,706.96 करोड़ की बताई थी इन्होंने, और निवेशकों को भुगतान करना था 5,15,01,036 निवेशकों का 57,000 करोड़। तो उसी समय शासन प्रशासन को देखना था कि भाई 11,000 करोड़ की संपत्ति में से 57,000 करोड़ रुपए कैसे दे पाएंगे। तो ये तो ये सरकार भी मिली भगत है, सरकार की भी भाई निवेशकों को भुगतान नहीं हो पाया। एजेंट एजेंट सब मिले हुए होंगे वो तो। हाँ, बड़े बड़े बिल्कुल कोई चक्कर है है, ये इनको ही पकड़ा जाए जब जाकर काम चलेगा। नहीं तो वो तो अपन जानते किसी को नहीं, अपन तो दिनेश गुप्ता को जानते हैं। हाँ, मैंने तो क्या नाम से मेरी पॉलिसी भी उसी को देख रखी है जी। मैंने तो ये बोला यार तू तो मेरे को मूल पैसा दे दे, मैंने जितने जमा किए उतने ही पैसा देते, मुझे तो ब्याज चाहिए साले को। यहाँ तक किस्त मुक्त दिया मैंने तो उसको जी। तो गुंजाइश तो लग नहीं रही मिलने की। नहीं, गुंजाइश तो उधर से तो मिलना मुश्किल है सर। कारण क्या है कि पैसा क्या है कि वो सही जगह लगा नहीं है, वो गलत जगह चला गया है। इसलिए क्या है कि जो भी मिले भगत है 5,000 इसके अर्ध मालिक थे, उन्होंने क्या करा कि जो जमीनें थी कंपनी के नाम से खरीदते हुए, इन्होंने खुद अपने नाम से जमीनें खरीद ली। अब वो क्या अपनी अपनी जमीन बना के बैठ गए। अच्छा, तो भुगतान होगा कहाँ से? और जनता का पैसा है तो बड़ा बवंडर हो जाएगा। जनता का पैसा लेकर के इनने बना लिया ना, अब वो गुमराह कर रहे हैं। सेबी लोढ़ा कमेटी दे रही है भुगतान सरकार गवर्नमेंट पर, वो कैसा दे रही है जिसके 4,000 जमा उसके 2,000 डाल रही है। मतलब एजेंट और निवेशक में लड़ाई ना हो इसलिए क्या उन्होंने चाल ऐसी चली है, बहुत खतरनाक। धीरे धीरे भैया इनका आया। अब मेरा सर 800 निवेशक है, मेरे 800 निवेशक है और उसमें से अभी 10,000 से नीचे वाला पेमेंट करा है, उसमें से 300 ग्राहक है मेरे, उसमें से मात्र 10-12 लोगों के आए, वो भी मूल में से काट के दिया है सेबी ने। अब अपन सेबी से कोई लड़ाई नहीं कर सकते, अपन तो जिसको पैसा देते थे उसी से बोले भैया तेरे कहने पे हमने दिया था और रियल एस्टेट की नंबर वन कंपनी थी, जमीन खरीदने के हमारा पैसा लिया था, तो भाई या तो हमारे पैसे से खरीदी हुई जमीन बता या फिर हमारा ब्याज से भुगतान कर तू। सही सही सही। तो वो सर इसी बहाने मिलेगा। और अभी तक जिन निवेशकों ने और ग्राहकों ने और एजेंटों ने जिस सीनियर को दबोचा है उनका पैसा भी ब्याज से मिल चुका है। अच्छा अच्छा, बता दो करना है ये करना है। अब जब बहुत ही जल्दी करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब अपन ने भाई कंपनी जब लाखों, अभी मैं बताऊं आप, एक 2011 में एक ग्वालियर कांड हुआ था। उसमें ज्योति नारायण इसका सीईओ था, उसने खुद टीवी चैनल पर बताया था कि सभी निवेशकों का पैसा सुरक्षित है और हमारे पास में 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है। अच्छा, तो अब हम पूछिए अपने सीनियर से पूछेंगे भाई जब 2011 में 75,000 करोड़ की लैंड बैंक थी तो अब वो 2014 में घटकर 11,000 करोड़ की क्यों गई, बाकी का 64,000 करोड़ कहाँ चला गया। सही है सही सही। और सर एक इसमें एक मुद्दा और चल रहा है, इसके बाद में इन्होंने क्या करा था कि 2010 में 500 टॉप लीडरों ने कंपनी से लोन लेके 19,134 करोड़ का लोन आपस में लेके बांट रखा है सीनियरों ने। और निकली थी इतने जमीनें मैंने भी खरीद रखी है, जमीनें है ना बहुत सारी, पर वो क्या है कि जैसे मैंने मेरे नाम से कर ली तो वो मेरी हो गई। आपने आपके नाम से कर ली तो वो आपकी हो गई, क्योंकि भाई सरकार जो पीएसएल के नाम से नाम मात्र की जमीनें 6,000 जमीनें मात्र पीएसएल के नाम से कंपनी के नाम से, और बाकी सब गुप्ता क्या सीनियर एजेंट है। हाँ, ये सीनियर है ना हमारे इधर सारंगपुर टीम का।
तो आप लोगों ने पैसा लगा रखा कि आपने लोगों से ले लेके इनको दिया होगा। हाँ हम एजेंट थे ना, ये हम जूनियर है दिनेश गुप्ता के। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है कि ये हम यहाँ जब भी मीटिंगें होती थी तो इनके कहने पर ही हम सारा काम करते थे। हाँ ये कहते थे कि आज सहारनपुर में तो अरे बहुत फर्जी काम चला, और भी तो वो जसोदिया वसोदिया उनने कर रखा था, बहुत सारी फर्जी कंपनियां थी यहाँ तो, BNP, HBN, जसोदिया वो मेरा मकान है बगल में वो कोने पे। हाँ हाँ हाँ, पीछे वो ना होटल के पीछे बिका उसका। हाँ हाँ हाँ, सब फर्जी लगते लोग फर्जी था सर। ये तो अब क्या है, बिल्कुल आपको हम सूचना देंगे, क्योंकि अभी तो हम क्या है एजेंट तैयार होके इनसे पूछेंगे सवाल जवाब। और अभी ये मेरे नंबर कर लेना नोट, आप रेशम केंद्र के नाम से कर लेना। ठीक हाँ, और मैं पूछ रहा मतलब ये बोल रहा था कि अभी एक मुद्दा और चल रहा है, हमें खुलासा मालूम पड़ा है, जब कंपनी पर बैन लगा था ना उसके 1.5 दिन पहले ही कंपनी में एक मेगा वीकली स्कीम निकाली थी इन्होंने। हाँ हाँ, तो उसमें सारे देश की 400 ब्रांचेस से 15,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। अच्छा, वो पैसा अभी तक कहीं ना तो किसी बैंक में जमा किया है, ना उसके पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी इन्होंने। अरे वो सब बंदर बांट कर ली होगी सालों में। बंदर बांट कर ली या तो, और वो जीरो चैनल एक यूट्यूब वाला है वो बता रहा है कि सारा का सारा पैसा पाकिस्तान गया है। गोपाल चंद गोपाल। हाँ तो अब वो क्या, अपन तो भाई तो ये लोग देशद्रोही है साले, फिर तो देशद्रोही के इसमें अपन दिनेश गुप्ता को लपेटेंगे भैया, या तो हमारा ब्याज से पैसा दिला, नहीं तो हम तो थाने में FIR कराएंगे तेरी। बिल्कुल करना ही चाहिए इसकी FIR। मैंने तो धोस दी थी दादा इसको बहुत ज्यादा। मैंने कहा तुमको घसीट दूंगा फालतू में, तो इसको जब तक धोस नहीं देंगे जब तक ये नहीं करेगा। बैठ गए बना ली, अभी 4-व्हीलर गाड़ी भी लिया है वो। हाँ, कोई ताकत थोड़ी है मास्टर होगी तो ये इसी ताकत गाड़ियां ले ले रही है कर ले। वही सब जनता का पैसा है, जनता भी इनकी तनख्वाह भी नहीं, इनकी तनख्वाह नहीं मिलती इतनी ज्यादा क्या नाम से, मैं बता दूँ आपको। अरे दादा बोला घर आता था, घर बैठ करके बड़ा चाय भी पिलाया हमें जस्ट से और पैसा लेके जाता था। मेरे को लगे साला यार लालच हमारा, पैसा हमारा पड़ेगा, ये बार बार लेने घर पे आता है बराबर से, तो वही तो लालच दे दे के तो फसाया सर, गलत जगह पैसा इन्होंने। अरे हम तो एक जगह रहते थे वही पंडित वाड़ी में, तो हमारे मकान पड़ोस में था एक जी, उसका पैसा मिल गया। हाँ, तो बोले यार हमने इतना दिया था, इतनी किस्त दी थी, हमारा दोगुना मिल गया हमको, तो मैंने तो मना किया है, घर वालों ने करवा दिया बच्चे का। तो वही है ना सर, मैं भी 2002 से जुड़ा था, एक एक दो दो बार लोगों के मिल गए तो उस पर पूरा विश्वास हो गया, और आज कम से कम मेरा और मेरी टीम मतलब पूरा जो मेरे 800 निवेशक है, कम से कम 1,10,00,000 रुपए मूल। तो बहुत बेकार है दादा ये काम तो। हाँ अरे बहुत बेकार तो है सर, बगैर करो तो आप तो मेरे को बता देना। बिल्कुल आपकी अभी आ जाऊंगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आपका मैं नाम सेव कर लूंगा और जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल। मैं उसने ही जोड़ा, गुप्ता ने जोड़ा मेरे को ग्रुप में। जी 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 हाँ, ये ग्रुप में पढ़ता रहता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी आती थी उसमें, तो मैंने आपका ऑडियो सुना, मैंने कहा ये सहारनपुर के ही है। जी जी जी, नहीं तो सर आप देखो अपन ने पैसा दिया है कोई मतलब रियल एस्टेट कंपनी में दिया था हमने पैसा भैया, या तो हमारे जमीन का जो है रियल एस्टेट के नाम से जो जमीन है वो बताओ उसका ब्यौरा दो, या फिर हमारा ब्याज सहित पैसा दो, नहीं तो हम तो क्या है तुम्हारे ये देशद्रोह के इसमें FIR करेंगे, क्योंकि तुमने तो अभी लगा ये मैं बता दूँ आपको, हम तो 2 बार घर के आए हैं उसके तो जी है ना जी। हाँ बिल्कुल नहीं है बिल्कुल सर, जो भी अब मतलब हो गया ना तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे दूंगा है ना सर। और आप तो बेफिक्र रहो, पैसा तो इनके बाप को भी देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास नंगी भूखी नहीं थी, कंपनी के पास ना था संपत्तियां, ये खुद कहते थे कि 2,00,000 एकड़ जमीन है पूरा हिंदुस्तान में अपनी कंपनी के पास में, तो फिर जमीन है तो फिर उसे बेच के क्यों नहीं मिल रहा पैसा। ठीक है, आप तो इस पर प्रेशर कर दो गुप्ता पे, बिल्कुल आएगा है ना। ठीक है ठीक जय श्री राम, जय श्री राम।